आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मुर्गे की हत्या की साजिश, हत्या की साजिश का आरोप पड़ोसी पर। थाने पहुंचा मामला, एफआईआर दर्ज कराने के लिए अड़ी मुर्गे की मालकिन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक मुर्गे की हत्या के प्रयास का अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने घायल मुर्गे को लेकर थाने पहुंच गई और उसने पड़ोसी पर मुर्गे की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया। महिला ने पड़ोसी के खिलाफ लिखित शिकायत दी है, कहा है कि उसके मुर्गे की चोरी कर पड़ोसी काट कर खाना चाहता था। महिला ने पुलिस कर्मियों को अपना घायल मुर्गा भी दिखाया। दरअसल मामला ग्राम सिलदहा में रहने वाली जानकी बाई से जुड़ा है, जो रोजी रोटी के लिए मजदूरी करती है, साथ में ही घर में देसी मुर्गे भी पालती है। उसके घर में कई मुर्गे हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। उसने अपनी शिकायत में कहा कि उसके घर से आए दिन मुर्गे गायब हो रहे थे, इस पर वो नजर रख रही थी। जानकी बाई ने बताया कि वो आज घर पर ही थी, इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले बुगल और उसकी पत्नी दुर्गा ने एक मुर्गा चोरी कर लिया और उसे लेकर जाने लगे। जानकी बाई ने पुलिस को बताया कि उसने मुर्गा चोरी करते दोनों पड़ोसियों को देख लिया, इसके चलते वो असफल हो गए, लेकिन उन्होंने मुर्गे का एक पंख तोड़ दिया जिससे मुर्गा घायल हो गया। जानकी बाई ने आरोप लगाया कि पति पत्नी ने मुर्गे को पकड़ लिया था और उसे मार कर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, उसने ही दंपति के हाथ से अपने मुर्गे को छुड़ाया, जिसके बाद महिला अपने घायल मुर्गे को लेकर थाने पहुंच गई। फिलहाल पुलिस कर्मियों ने मामला दर्ज करने के लिए उच्चाधिकारियों से सलाह मांगी है। मुर्गे की हत्या की साजिश का यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।